Hey everyone, welcome back to my channel. I am Krrish. So guys, आज का जो वीडियो है वो आपने टाइटल देख के आपको समझ ही आ गया होगा कि आज का वीडियो किसके ऊपर है. एंड आपको मेरा लुक भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है बिकॉज आज मैंने हिटलेस कर्ल्स ट्राई किए हैं और मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए बिकॉज बहुत लोग जो है वो हीट यूज कर करके अपने हेयर्स को बहुत ज्यादा डैमेज कर लेते हैं. एंड ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ना करें. और एक और चीज अगर आप करते हैं बिकॉज बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं जिसमें करना पड़ता है ये सब चीज, आपको हीट यूज करना पड़ेगा ही वरना आप जो है आप अगर कैमरे में है या फिर आप जो है कोई दूसरी जॉब करते तो आपको उसमें करना पड़ेगा. तो उसके लिए आपको अपनी हेयर्स पे हमेशा जो हीट प्रोटेक्टर यूज कर लेना चाहिए ताकि आपकी हेयर जो है वो डैमेज ना हो और वो हमारी जो हेयर्स होती है उसको हीट बहुत ही ज्यादा जल्दी डैमेज कर देता है. इसीलिए बट करते हो तो ठीक है बट हीट प्रोटेक्टर यूज कर लीजिए. अगर आप नहीं करते हीट प्रोटेक्टर यूज आप जो है हीटलेस कर्ल्स ट्राई कर सकते हैं जिसका ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल हो एंड आप अपनी हेयर्स को जो है एक ऑसम सा एंड बाउंसीनेस जो है कर्ल्स दे सकते हैं. एंड आप देख सकते हैं मेरे हेयर जो है बहुत ही ज्यादा कर्ली लग रहे हैं आज बिकॉज मेरे हेयर जो है वो वेवी है, थोड़े से स्ट्रेट प्लस वेवी है, लाइट वेव है उसमें बट इतने जो है कर्ल्स नहीं आते हैं मेरे हेयर्स पे. एंड मैंने कभी जो है कभी किसी पार्टी फंक्शन में कभी अपने हेयर्स पे ना तो कर्ल्स ट्राई किए हैं, कर्लर यूज किया है, ना ही मैंने कभी स्ट्रेटनर यूज किया है बिकॉज मेरे हेयर्स जैसे हैं मैं वैसे ही जो है थोड़ा बहुत कॉम्ब करके उसको चली जाती हूँ. वही चीज मुझे अच्छी लगती है कि हाँ यार जो नेचुरल चीज है वैसे ही रहना चाहिए बट कभी कभी थोड़ा सा अपने हेयर्स को डिफाइन करने के लिए ताकि जो है लोग जो करते हैं वो थोड़ा सा अपने ऊपर ट्राई करना चाहिए बट हीट की तरफ नहीं जाते हैं. आप इस टाइप की चीजें ट्राई कर सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा सुपर इजी होता है एंड आपकी हेयर्स को थोड़ा नेचुरल कर्ल्स देता है जो बहुत ही ज्यादा ऑसम लगता है. एंड आई नो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा अगर गर्ल्स समझ जाएंगी कि वाओ यार गर्ल्स आई लव गर्ल्स ऐसी. तो चलिए गाइस ये कैसे करना है ये सिखाती हूँ आपको एंड जो है ये कितनी देर भी आपको रखना है वो भी बताऊंगी आपको. एंड उसके बाद आपकी जो हेयर्स है वो बहुत ही ज्यादा ऑसम लगेगी एंड आपका लुक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा. तो अपने लुक को अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंट करना है तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उससे पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो. और अगर आप मेरे वीडियोस इतने ऑसम वीडियोस अगर मिस नहीं करना चाहते हैं तो जल्दी से बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आप मेरे अच्छे अच्छे वीडियोस मिस ना करें. तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कैसे जो है हम ये ऑसम से कर्ल्स ला सकते हैं अपनी हेयर्स पे एंड अपनी जो है डल एकदम बहुत ही स्लीक जो हेयर है उनको थोड़ा सा बाउंसीनेस दे सकते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस फर्स्ट एक कॉम ले लीजिए एंड अपनी हेयर्स को जो है आपको अच्छे से डिटेंगल कर लेना है स्मूथली ताकि आपकी हेयर्स में बिल्कुल भी टेंगल ना रहे. अब नेक्स्ट लेवल है अपनी हेयर्स को जो है आपको डैम्प करना है अच्छे से. एक स्प्रे बॉटल में जो है नॉर्मल पानी ले लीजिए एंड अपनी हेयर्स पे अच्छे से स्प्रे कर लीजिए. अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, अपनी हेयर्स को गीला कर लीजिए कैसे भी अगर आप कर पाए तो अच्छे से कर लीजिए ताकि वो अच्छे से डैम्प्ड हो जाए. बहुत ज़्यादा डैम्प होना चाहिए, बिल्कुल गीला गीला सा फील हो तभी जो है आपकी हेयर्स इसका मतलब परफेक्ट है स्टार्टिंग करने के लिए. मैं अच्छे से अपने हेयर्स के ऊपर स्प्रे बॉटल से स्प्रे करूँगी, सबसे ज़्यादा लेंथ में करेंगे बिकॉज हमारी जो कर्ल है कर्ली हेयर है वो लेंथ से स्टार्ट होती है. इसीलिए आप देख सकते बहुत ही अच्छे से जो है ये डैम्प हो गया है. सो गाइस अब आपको हेडबैंड ले लेना है एंड इसको जो है इसी तरीके से आपको सेट कर लेना है अपनी हेयर्स पे एंड अपनी हेयर्स का फर्स्ट सेक्शन ले लीजिए, इसको ट्विस्ट कीजिए एंड इसको जो है आपको अपनी हेडबैंड के अंदर से निकालना है. उसके बाद उसी हेयर में आपको कुछ हेयर और ऐड करना है देन इसको ट्विस्ट करना है. उसके बाद आपको फिर से उसी हेडबैंड के अंदर से इसको निकालना है, फिर उसके अंदर फिर आपको कुछ हेयर ऐड करना है देन इसको ट्विस्ट करते हुए अपनी हेडबैंड के अंदर से निकालना है. ऐसे ही आपको हेयर ऐड करते हुए अपनी हेडबैंड के अंदर से निकालना है. आप देख सकते हैं मैंने टू साइड जो है सेक्शन कर लिए थे अपनी हेयर के, वैसे ही आपको टू साइड करना है एंड अपनी हेडबैंड को रोल अप करते हुए जो है हेयर को हेडबैंड के अंदर से निकालना है. ये लास्ट मेरा सेक्शन हो गया है, अब मैं इसको भी जो है ट्विस्ट करके निकाल लूँगी. अब मैं अपने दूसरी साइड में आऊँगी. अपनी हेयर्स को अच्छे से सेट कर लीजिए. अब अपने सेकेंड साइड पे मैं स्प्रे करूँगी बिकॉज इसे थोड़ा सा ड्राई हो चुका है मेरा हेयर, इसलिए मैं फिर से इसको थोड़ा सा डैम्प करूँगी. अब फिर से सेकेंड सेक्शन में दूसरी साइड में ट्विस्ट करते हुए अपनी हेडबैंड के अंदर से हेयर्स को निकालूंगी देन उसके अंदर कुछ हेयर और ऐड करूँगी मैं. उसके बाद उसको ट्विस्ट करते हुए हेडबैंड के अंदर से निकालूंगी.
आप देख सकते हैं आपको इसी प्रोसेस में करना है। ये बहुत ही ईजी है एंड बहुत ही जल्दी हो जाता है। ये हो चुका है, अब मैं थोड़ा सा स्पेस कर रही हूँ बिकॉज मेरे इतनी लेंथ जो बची हुई हेयर की ये भी ट्विस्ट होकर अंदर जाएगा इसीलिए। सो मैं पूरी हेयर्स को ट्विस्ट करते हुए अपनी हेडबैंड के अंदर से निकालूंगी। आपको अपनी पूरी हेयर्स को जो है ऐसे ही रोल अप कर करके जो है अपने पूरी हेयर्स को कवर करना है एंड हेडबैंड जो आपका दिखे ही नहीं ऐसे आपको रखना है। आप देख सकते हैं ऐसे ही आपको जो है पूरा रोल कर करके अपनी हेयर्स को सेव करना है। एक साइड का हो चुका है मेरा, अब सेकंड साइड में करूँगी मैं। ये भी हो चुका है फास्ट फॉरवर्ड में एंड इसको अच्छे से सेट कर लूँगी बिकॉज मैं इसको लेके सोने वाली हूँ। सो गाइस ये रेडी है मेरा, कुछ इस तरीके का होगा। अब इसको लेके आप आराम से नाइट में सो जाइए या फिर आप 4 से 5 घंटे इसको रख सकते हैं। सो गाइस ये मॉर्निंग हो चुकी है, अब मैं इसको जो है निकालने वाली हूँ। इसको बहुत ही ईजीली आपको जो है आराम से निकालना है ताकि ये बिल्कुल भी जो है मैस ना हो। बहुत ही लूज़ लूज़ कर करके आपको करना है, बहुत ही धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, एकदम स्लोली। ये निकल चुका है एंड मेरे हेयर, वाओ, इट्स गॉन। नाउ इट्स डन। कुछ ऐसा जो है आपको मिलेगा अपनी हेयर मॉर्निंग में एंड बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूमिनेंस लग रहा है एंड बिल्कुल भी स्लिक नहीं लग रहा है, देख सकते हैं आप। स्टन। आई होप गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो। और अगर आप मेरे वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो जल्दी से बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।